कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि भैया मुझे भी आपकी तरह फ्रीलांसर बनना है, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं कोई लैपटॉप या फिर पीसी ले सकूं। तो उसकी बातें सुन के मुझे भी अपने दिन याद आ गए, क्योंकि 2021 में मैंने ऐसा जोमेटो डिलीवरी बॉय काम करना स्टार्ट किया था और जोमेटो के पैसों से मैंने बहुत मेहनत करके अपना लैपटॉप खरीदा। तो ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पर फिर भी आप में से मैक्सिमम लोगों को मेरे बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने पास्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं काम करते करते मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग के बारे में कैसे सीखा, मुझे वो मोटिवेशन कहाँ से मिला और आगे मेरे क्या प्लान है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पीयूष। तो 2021 में मैंने एज अ जोमेटो डिलीवरी बॉय काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि 2020 के सितंबर में मेरे पापा का डेथ हो गया था बिकॉज ऑफ उनका किडनी का काफी इशू हो गया था, किडनी उनका डैमेज हो गया था इसकी वजह से, जिसके बाद हमारे फैमिली का कंडीशन काफी खराब हो गया एंड हमारे घर में सबको काम करना स्टार्ट करना पड़ा। उसी में मैं भी जोमेटो का डिलीवरी बॉय मैंने काम करना स्टार्ट किया, जिसमें मैं दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, कभी कभी रात के 3 बजे तक भी मैं वहाँ पे काम करता था। उसमें हम मेरा बेसिक सा काम यही था कि जोमेटो में ऐसा होता है कि साइकिल से आपको रास्ते में बस घूमते रहना है, किसी दुकान से आपको ऑर्डर आया वहां से आपको खाना पिकअप करना है और किसी भी जिसका कस्टमर है घर पे आपको उसको डिलीवरी करना है। ओके, तो इसमें लगभग मुझे 5 किलोमीटर साइकिल चलाने के, अगर मैं आपको एक रफ फिगर बताऊं तो 5 किलोमीटर साइकिल चलाने के मुझे बस 20 से 30 रुपया मिलता था। जोमेटो में काफी कम पैसा दिया जाता था, लेकिन उस टाइम हालत इतना खराब था कि मैं वो काम छोड़ नहीं सकता था। सही बताऊं तो साइकिल चलाने में इतना ज्यादा मतलब हालत खराब हो जाता था कि मेरा मन करता था कि अब मैं वो काम नहीं करूंगा। और इसी काम ने मुझे मोटिवेशन दिया कि नहीं, मुझे ऐसे लाइफ तो नहीं जीना है, अगर अभी मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता तो मुझे ऐसा कुछ सीखना होगा ताकि मैं अपना खुद का कुछ काम कर सकूं, क्योंकि जॉब करना मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था, कि मुझे मेरे मन में कभी नहीं आया था कि मुझे कोई जॉब वॉब करना है, एंड इसीलिए मैंने नए नए स्किल्स को सीखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरे पास एक कोई फोन भी नहीं था, फिर भी मैंने लगभग मेरी दीदी के फोन से मैं मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया। वहीं से मेरा मन हुआ कि मुझे अपना एक कोई स्टार्टअप खोलना है। उस टाइम इतना समझ में नहीं आया था कि कितना मुझे बजट ले रहे चलना पड़ेगा, कितना मुझे कॉस्ट लगेगा, पर मेरे मन में था कि मुझे अपना एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, जिसके कारण मैंने पहले सोचा कि मुझे स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए क्या क्या लगेगा। मैंने देखा कि स्टार्टअप अगर बिल्ड करना है तो एक ऐप होना चाहिए, ऐप सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा तो कोडिंग सीखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा रिसर्च किए कोडिंग कैसे सीख सकते हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि उसके लिए मुझे बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और ऐप बनाना काफी टफ है, काफी कॉस्टली भी है। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कि मुझे ऐप नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा। फिर मैं देखा कि उसका क्या कोई अल्टरनेटिव है, फिर मुझे मालूम चला कि वेबसाइट से भी हम लोग कोई भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, ऐसे ई कॉमर्स हो गया। तो मैंने बोला कि अभी अगर ई कॉमर्स से हम लोग कर सकते हैं तो चलो ई कॉमर्स बनाना सीखते हैं। फिर थोड़ा मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि वेबसाइट बनाने के लिए बस 3 ही कोडिंग लैंग्वेज चाहिए, HTML, CSS, JavaScript। मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, 3 लैंग्वेज तो मैं सीख लूंगा। एंड उस टाइम मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, लेकिन उस टाइम तक मेरे पास एक फोन आ गया था और उस फोन से फिर मैंने HTML, CSS, JavaScript सीखना स्टार्ट किया। पर मुझे कोई ऐसा ऐप नहीं मिल रहा था कि जिसमें कि मैं कोडिंग कर सकूं, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास था नहीं, मुझे फोन में कोडिंग करना था। फिर मैंने काफी सारे रिसर्च किए, काफी सारे फ्री कोर्सेज मैंने स्टार्ट कर दिए करना, एंड फोन में ही एक दो ऐप होता है इसको कि अगर आप यूज करोगे तो आप उसमें कोडिंग कर सकते हो। मुझे उसका नाम याद नहीं आया ऐप का, लेकिन आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो उसी ऐप में मैंने कोडिंग वोडिंग करना स्टार्ट किया, पर उतना ज्यादा अच्छे से मैं कर नहीं पा रहा था और वो काफी मुझे हार्ड लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर वो उस आइडिया को भी मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं, ऐप तो मतलब कोडिंग तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। एंड फिर जब मैंने कोर्स करना स्टार्ट कर दिया था तो मुझे फिर मैंने मार्केटिंग का कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, SEO क्या होता है उसके बारे में मैंने और जाना। फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा, एंड उस टाइम तक मैं जोमेटो का काम कर ही रहा था। लगभग दोपहर के 3 बजे से रात के 12 बजे तक इसमें काम कर रहा था। तो मेरे पास जो सुबह का टाइम था उस टाइम मैं अपना कोई भी कोर्स किया करता था ताकि मेरे पास एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाए। और जोमेटो का लगभग 1.5 साल मैंने काम करने के बाद 2022 के करीब में मैंने आगे एक लैपटॉप मैंने बाय कर लिया, EMI पे, EMI लेके मैंने एक लैपटॉप बाय कर लिया, एंड फिर उस पर मैंने लगभग कोडिंग सीखना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगभग 6 महीने लग गए HTML, CSS और JavaScript सीखने में।
और तुझे मैंने देखा कि जब मैं उत्तर सीख चुका था तब मुझे मालूम चला कि एक वेबसाइट बनाने के लिए बस इतना ही इनफ नहीं है, ये तो बस एक फ्रंट एंड हुआ। अगर मुझे ई कॉमर्स बनाने हैं तो मुझे उसके अंदर और भी PHP, SQL, फिर React, Node.js सभी मुझे सीखना पड़ेगा। और मुझे लगा कि मेरे लिए काफी हार्ड होगा। फिर मुझे लगा कि स्टार्टअप अभी मैं बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। पर इंटर्नशिप भी में भी काफी सारे लैंग्वेज मांग रहा था, एक्सपीरियंस मांग रहा था, तो मुझे लगा कि वो भी मेरे बस का बात नहीं है। एंड उसके बाद मैं अपना जो भी मेरा कोर्स चल रहा था उसको मैं आगे बढ़ा रहा था। मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, फ्रंट एंड वेबसाइट भी मैंने बनाए कोडिंग करके। एंड उसके बाद ही लगभग 2022 के दिसंबर के करीब करीब मेरे पास एक मेरे भैया मिले, उन्होंने कहा कि मैं अपना एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने कहा ठीक है, मुझे तो वैसे भी सीखना था, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। और लगभग 2023 के फरवरी मार्च में मैंने उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वहां पे मुझे 10,000 का सैलरी मिल रहा था, जहां मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा था, और मेरे पास जो स्किल था ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट का, मैं उस स्किल से वहां पे काम कर रहा था। तो उस कंपनी में बेसिकली मैं सब हर सब का काम कर रहा था, लाइक लोगो बनाना हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मैंने उनके भी चैनल के लिए काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं। इसकी वजह से मेरा यूट्यूब, मैंने खुद का भी यूट्यूब चैनल लगभग फरवरी में स्टार्ट कर दिया था, फरवरी 2023 में, और अभी उसके एक साल हो चुके हैं। एंड उसके बाद वहां पे मैंने लगभग अगस्त तक काम किया, और वहीं पे काम करते करते मैंने वर्डप्रेस के बारे में, वेब फ्लोस के बारे में मैंने सीखा। एंड जब वहाँ मैंने 4 महीने काम किए तो मुझे लगा कि इस कंपनी में उतना मजा नहीं आ रहा है, और मुझे और कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। और जितना मैं काम कर रहा था मुझे लग रहा था कि मैं उसे बहुत ही कम पे किया जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं, और इसलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। जब मैं अगस्त में उस कंपनी को मैंने छोड़ा, तो उस टाइम मैं जितना भी मैंने वेबसाइट बनाए थे उस कंपनी में रहकर, उस सारे वेबसाइट्स को मैं अपना लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट कर रहा था, और यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी बना रहा था डिफरेंट टॉपिक पे, जैसे कि थंबनेल डिजाइनिंग। अगर मैं मेरा ओल्ड वीडियो देखोगे तो मैंने थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर काफी सारे वीडियो बना रखे थे। इसके बाद जब मैंने लिंक्डइन पे उन सारे वेबसाइट को अपलोड किया कि मैंने ये बनाया है, तो वहीं से मुझे एक क्लाइंट मिल गया, और उसने कहा कि आपने जो वेबसाइट बनाया वो काफी अच्छा है, और क्या आप मेरे लिए भी एक वेबसाइट को बना दोगे? मैंने कहा ठीक है। एंड उनका फिर वेबसाइट मैंने बनाया, उसके लिए मैंने काफी कम चार्ज किया, पर जैसे मैंने बताया कि उस टाइम मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे और मैं अपना काम भी छोड़ चुका था, लेकिन मुझे अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करना था, जिसके लिए मुझे होस्टिंग लेना पड़ता, और होस्टिंग का प्राइस लगभग 5,000 पर रहा था। तो मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि आप मुझे पैसा मत दीजिए, पर आप अपने होस्टिंग पे मुझे अपना स्पेस दे दीजिए, ताकि मैं अपना एक डोमेन खरीद के उसमें बाय करके अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकूं। तो वो अलाउ हो गए, और उसके बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट उनके होस्टिंग पे बनाया वर्डप्रेस के हेल्प से। एंड तब से मैं अपना फ्रीलांसिंग जर्नी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो लगभग जब मैंने अगस्त में स्टार्ट किया, अगस्त में मेरे पास लगभग 3-4 क्लाइंट आए, मतलब 3 क्लाइंट आए और उनके ही रेफरल से। एंड फिर उसके बाद सितंबर में मेरे पास 2 क्लाइंट आए, अक्टूबर में मेरे पास 2 क्लाइंट आए, नवंबर में मेरे पास 1 क्लाइंट आया बस। और नवंबर में मुझे एक फ्रेंड मिला लिंक्डइन पे, जिसने मुझे वेबफ्लो के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर तुम वेबफ्लो को सीख लोगे तो मैं इंटरनेशनल कंपनी के किसी भी एजेंसी में तुमको 80-90 हज़ार का जॉब जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरा दिसंबर मैंने एक भी क्लाइंट का काम नहीं किया, और पूरा दिसंबर बैठ के मैं बस वेबफ्लो ही सीख रहा था। वेबफ्लो सीखने के बाद जब मेरा, क्योंकि मेरा पहले से मुझे कोडिंग का नॉलेज था, तो वर्डप्रेस सीखने, मतलब वेबफ्लो सीखने में मुझे उतना टाइम नहीं लगा, और मुझे काफी इजी लगा वेबफ्लो। जिसके बेसिक जो वेबसाइट बनता है वो मैं काफी अच्छे से बना पा रहा था, और मैंने खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट भी वेबफ्लो में बनाया, जैसे कि आप देख पाओगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट को देख सकते हो, जो कि मेरा पहला वेबसाइट है जो कि मैंने वेबफ्लो में बनाया था, जो कि काफी अच्छा बना था। उसके बाद जनवरी में मैंने एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, जिसमें कि मैंने दिखाया था कि मैंने कितने सारे वेबसाइट बनाए हैं 2023 में। और उसके बाद उस वो वीडियो में काफी अच्छा व्यू आया, वहां से मुझे काफी सारे क्लाइंट मिले, और जिसके ऊपर भी मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बेसिकली उस महीने में बस इतने सारे क्लाइंट आ गए थे कि मैं सारे क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पा रहा था, और इसके वजह से काफी सारे क्लाइंट को मुझे मना करना पड़ा। और जब उन सारे क्लाइंट से मैं बात कर रहा था तो मुझे मालूम चला कि मेरे जो सेल्स स्किल है, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी खराब है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स को भी मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, मैं उनको ये नहीं बता पा रहा था कि मैं एक्चुअली उनका कैसे हेल्प करने वाला हूँ। तो ये बात मुझे उस टाइम मालूम चला, और उस टाइम मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसका नाम है गौरव, वो अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तो हम दोनों ने काफी अच्छा बात किया, उनको भी मुझे क्वेश्चन बनाना था एंड वो भी एक फ्रीलांसर थे, वो एक वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसर थे एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनको भी अपना फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना है, मुझे अपना फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डेली एक घंटे का मीटिंग करेंगे एंड उस एक घंटे के मीटिंग में हम लोग एलेक्स हॉर्मोजी का कोर्स जो है वो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग अपने अच्छा ऑफर बिल्ड कर पाए और डेली कम्युनिकेशन करने से हम लोग का जो सेल्स स्किल है वो भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो लगभग फरवरी में हमने अपना मीटिंग करना स्टार्ट किया था, अभी लगभग 2 महीने से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, लगभग 20 जनवरी से हमने स्टार्ट कर दिया था मीटिंग करना एंड अभी तक हमने काफी इम्प्रूवमेंट कर लिया है। तो पिछले 2 महीनों में जनवरी और फरवरी में मैंने अपना पूरा ऑफर को बिल्ड किया कि लाइक एलेक्स समझ के जो कोर्स है 100 मिलियन डॉलर ऑफर, उसमें उन्होंने बेसिकली सिखाया है कि आपको कैसे अपने मार्केट को टारगेट करना है। लाइक अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो काफी सारे फ्रीलांसर क्या करते हैं कि वो सभी तरह के लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ तो मैं सारे बिजनेस को टारगेट करूंगा कि कोई भी आ जाओ, किसी को भी बनाना है वेबसाइट मैं बना दूंगा। लेकिन उस कोर्स को जब मैंने देखा तो उसमें मालूम उसने एलेक्स हॉर्मोजी ने कहा कि आपको सभी तरह के अगर आप लोगों को टारगेट करोगे तो आप किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाओगे, और अगर वहीं पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना स्पेशलिस्ट करते होगे और उसी फील्ड के क्लाइंट के लिए आप बनाओगे वेबसाइट, तो आपका वो जो वेबसाइट है वो बिल्ड करने का जो टाइमिंग है वो काफी कम हो जाएगा और आपका एक्सपर्टीज भी उस फील्ड में काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही हाई चार्ज कर पाओगे। तो वो पूरा कोर्स करने के बाद हमने अपना ऑफर को बिल्ड किया, जिसके बारे में मैं अपने कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं कि मैंने कैसे अपना ऑफर बिल्ड किया और आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी मार्च में हम लोग अपना क्लाइंट ला सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से भी मेरे क्लाइंट आए थे वो बहुत ही लो बजट क्लाइंट थे, क्योंकि वो सब इंडियन थे एंड मैं और गौरव ने डिसाइड किया कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट टारगेट करना है ताकि हम अच्छा बजट में उनका काम कर सकें। एंड उसी की वजह से अभी मार्च में हम लोग अपना पूरा स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं कि हम लोग क्लाइंट को कैसे लाएंगे। हम लोग कंटेंट क्रिएशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं और इसके ऊपर ही मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा कि कंटेंट क्रिएशन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूं एंड मैंने सोचा है कि मैं हर एक मंथ एक वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरे महीने में मैंने क्या क्या नया चीज को एक्सप्लोर किया, मैंने कितने क्लाइंट साथ काम किया, वो क्लाइंट मुझे कहाँ से मिले, कैसे मिले, क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कैसे मैंने उन्हें क्लोज किया। तो इन सारे चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे उन वीडियोस में एंड अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मुझे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको मेरा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ एंड आप मुझे फॉलो करके या फिर मुझसे इंस्पिरेशन लेके अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में भी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ा फ्रीलांसर हूँ, मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मैं जिस लेवल पे कर रहा हूँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा तो उससे आपको भी हेल्प होगा, अब मेरा भी हेल्प होगा, क्योंकि मैं अपने आप को इसी हमने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन भी इससे बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, तो इसलिए ही मेरा मेन मोटिव था मेरा अपना पूरा स्टोरी बताने का, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपना स्टोरी किसी को बताऊं, पर ये हमारे लिए हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने बारे में लोगों को बताएं ताकि हम आपस में और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाए। आपको जो भी स्टोरी होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में बताना कि मैं अपने वीडियोस को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड मार्च में मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्या मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, इसके बारे में मैं अगले मंथ एक और वीडियो अपलोड करूंगा एंड हर मंथ के एंड में मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें उस मंथ के बारे में हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।